साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। सभी दोस्तों का ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 15 सितंबर और आगामी परीक्षा आपकी जो है पीसीएस की है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, वो है 24 सितंबर को। दोस्तों मैंने आपको जो है कल बताया था कि हाउ टू क्रैक यूपीपीएससी 2017 इन 7 डेज, तो जो मेरी वीडियो आई थी मैंने उसमें आपको पूरा शेड्यूल बता दिया था कैसे मैं क्या पढ़ाऊंगा, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट बताऊंगा आपको। दोस्तों आज जो आपकी बारी है पढ़ने की, वो सब्जेक्ट है आपका इतिहास। उस इतिहास में मैं आपको 100 से 120 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा इस परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों उसमें आपका जो इतिहास में रहेगा, एंशियंट हिस्ट्री रहेगा, मेडिवल हिस्ट्री रहेगा और मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों इतिहास में मैंने 100 से 120 महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, वो पिछले 10 सालों का एनालिसिस करके इतिहास का हमारी टीम जो है मिलकर कल रात से बनाई है दोस्तों आपके लिए। तो जो है मैं उस प्रश्न को पढ़ूंगा और उसका उत्तर भी बताऊंगा, और जो उत्तर टफ होगा यानी कठिन शब्दों में होगा मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा। दोस्तों तो हम शुरू करें, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपना ईयरफोन सही से लगा लीजिए और मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो बड़ी बन जाती दोस्तों, 40 से 45 मिनट की बनती है, तो आप घबराइएगा मत, इसमें जो भी रहेगा मटेरियल, जो भी आपको बताया जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम जो है एक एक प्रश्न जो है देखते चलते हैं। दोस्तों पहले हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन जो है प्राचीन इतिहास से। आपका जो है पहला क्वेश्चन आज का है, जो महत्वपूर्ण है वही हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा और जो है उत्तर को ध्यान से जानिएगा, क्योंकि 24 सितंबर को आपको परीक्षा है और रिवाइज करने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि एक कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। आपका जो उत्तर सही है वो है लहुरादेव से, ये संत कबीर नगर में पड़ता है, एक जिला उत्तर प्रदेश का। यहाँ जो है सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं अगर आपके लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ भी लगाइएगा, अगर लहुरादेव और मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं है, अगर कोलडीवा है तो कोलडीवा से लगाइएगा दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज वो है जौ। इसके आगे बढ़ते हैं, एक ही कब्र से तीन कंकाल मिले हैं, ये कहाँ पे, दमदमा, ये उत्तर जो है प्रतापगढ़ का एक जिला उत्तर प्रदेश में है, वहां जो है एक ही कब्र से तीन कंकाल मिले हैं दोस्तों, और एक ही कब्र से चार कंकाल मिले हैं, ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि तीन वाला क्वेश्चन अभी इसके पहले आ चुका है, अब की बार ज्यादा संभावना है जो है एक ही कब्र से चार कंकाल मिले हैं, ये सराय नहर, ये भी प्रतापगढ़ का जिला उत्तर प्रदेश में है, यहाँ जो है चार कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से, सराय नहर। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो रहेगा वो पूरा पाषाण काल से है। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, वो आपका उत्तर रहेगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। हड़प्पा का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण बंदर है लोथल, और भी एक है लेकिन लोथल जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य थी, क्यों, क्योंकि वह नगरीय थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, आपका ये बहुत एंशियंट हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक आमिर खान का शो आता था सत्यमेव जयते, वो शब्द आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो आप आंसर में बताएंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते शब्द। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा व यज्ञ था, ये ऑप्शन में अगर रहेगा प्रकृति पूजा या भक्ति तो बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है सही उत्तर है वो है प्रकृति पूजा व यज्ञ, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था, जैसा कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में उसी सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बहुत छाड़ के दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है,
ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था? वो है गाय को, ना कि जल को, ना कि भूमि को और ना स्त्री को, महत्व किसको देते थे ऋग वैदिक काल में? गायों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दर्शन का जो योग है उसका जो प्रवर्तक क्या है? पतंजलि। योग का प्रवर्तन पतंजलि, योग आपका दर्शन है उसका प्रवर्तक पतंजलि है। जो बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ है वही जो है योग की पतंजलि है। आप सही उत्तर लगाइएगा दोस्तों। अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? जो अब ऐसा अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता हो वो आपका सही उत्तर है दोस्तों बोगस कोई आप लगाइएगा अगर आता है आपके एग्जाम में। इसके आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियां और उनके जो है राजाओं के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बता देता हूं। जैसे आपका जो एक जनपद है महाजनपद, 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण मल महाजनपद, वो जो है कुशीनगर में स्थित है। आपका ये कुशीनगर में है। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे एक है कौशल महाजनपद, वो श्रावस्ती में है, उसके राजा प्रसेनजीत थे। और अवंती महाजनपद, ये उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मति में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहां में? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। दोस्तों अगर आपका आता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में तो इस पे टिक करिएगा, यहां पे आपका 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसके आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासक था? सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय भारत का राजवंश में जो शासक था उनका कौन सा शासन था, किस वंश का शासन था? तो दोस्तों नंद वंश का शासन था उस टाइम जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है और नंद वंश का अगर पूछा जाए पतन किसने किया था तो नंद वंश का पतन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से किनका संबंध बुद्ध के जीव से था, निम्न में से किनका संबंध बुद्ध के जीव से था, तो आपका जो सही उत्तर है वो है कोसल व मगध। अगर आपके ऑप्शन में रहता है अवंती, गांधार, कोसल और मगध, ये आपको जो है कोटी में दिया जाता है, एक दो, दो तीन या तीन चार या इनमें से कोई नहीं, तो आपका रहेगा तीन चार यानी कोसल और मगध आपका जो है सही उत्तर है। AIS में जो है कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो आपका जो है ये सही उत्तर है सारनाथ। इसके आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव धर्मानुयायी थे नैनार। इसके आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे दोस्तों। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये आपका जो है एक बॉलीवुड की मूवी अभी बनी है बाहुबली 2, तो उसी से रिलेटेड, उसी का नाम बाहुबली है उत्तर आपका प्रश्न। दोस्तों एक बार फिर से आप सुन लीजिए, क्या है प्रश्न? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो आपका उत्तर है बाहुबली के लिए की जाती है और बाहुबली से संबंधित है। इसके आगे 23वें क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। फिर इंडिका के लेखक, आप सभी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? जैसे मौर्य काल में जो लोग टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे, उनके लिए जो दंड का प्रावधान था वो था मृत्यु दंड, उनको मौत की सजा सुनाई जाती थी मौर्य काल में। और जैसे अगर आपको सुमेलित करने वाला भी प्रश्न आता है कि इसको सुमेलित करें, जैसे मान लीजिए आपका सुमेलित करने वाला जो है प्रश्न आया, जैसे देखिए जैसे आपका आ गया सांची मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप MP में है, सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ UP में है,
रुमिंदेई। रुमिंदेई आपका नेपाल की तराई में है। और आपका चौथा ऑप्शन है निगाली सागर। ये अगर आपका ऑप्शन में आता है बिहार। और पूछता है इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बना है ये सत्य है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में ये भी सत्य है, रुमिंदेई नेपाल की तराई में ये भी सत्य है, लेकिन निगाली सागर ये बिहार में आपका नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा चौथा वाला, ये जो है डी पार्ट आपका ये जो है ये सही होगा, निगाली सागर बिहार में नहीं है। इसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके आगे जो हमारा अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है जो है वो है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार कराया। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार कराया। दोस्तों सुदर्शन झील जो है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, लेकिन बाद में जब उसका जो निर्माण फिर से करवाया, जो टूट फूट गया था उसको फिर से सही कराया, वो रुद्र दामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार रुद्र दामन प्रथम ने कराया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहावत है कि मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीन क्षेत्रों को जीत लिया है, ये किसने कहा था, यह कथन किसका है। तो आपका उत्तर है कनिष्क ने कहा था ये। आगे 29वें प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है। तो आपका उत्तर जो रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी। तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि जो है समुद्रगुप्त की थी। गुप्त सम्राट का कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया है। उसने जो है उसमें आपका सही उत्तर रहेगा स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट थे वो। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। परमाणुवाद जो है ये वैशेषिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो आपका उत्तर रहेगा परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। वैशेषिक दर्शन आपके चार ऑप्शन में रहेंगे, उसमें रहेगा वैशेषिक दर्शन, तो आप वैशेषिक दर्शन पे क्लिक करिएगा। दिल्ली सल्तनत की एकलौती महिला शासक कौन थी। तो आपका जो है ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकलौती महिला शासक थी। आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना दोस्तों, उसको सुन लीजिए एक बार। जैसे आपके जो चार बौद्ध संगीत हुए हैं उसमें सबसे जो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो अजात शत्रु के समय में हुआ था और सप्तकर्णी में हुआ था। उस समय उसके अध्यक्ष जो थे अजात शत्रु राजा थे उस टाइम, प्रथम बौद्ध संगीत के समय में सप्तकर्णी स्थान पे हुआ था और उस प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली में हुआ आयोजन और इसके अध्यक्ष थे सावक मीर। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय में हुआ पाटलिपुत्रा में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। आपको अगर टफ लग रहा है इसके अध्यक्ष कौन थे तो ऐसे रहेगा मोगलीपुत्र तिस्स, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। तो इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जो चतुर्थ आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था और ये कुंडलबन कश्मीर में है, कुंडलबन में हुआ था। और इसके जो है
मैं अध्यक्ष उस टाइम चतुर्थ बौद्ध संगीत के वसु मित्र थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी का महत्व किसके शासनकाल में हुआ, अंग्रेजी की शुरुआत भारत में किसके शासनकाल में हुआ, तो आप जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेनेटी। और सती प्रथा के अंत जब हुआ था, सती प्रथा का अंत 1828 में राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। और अगर पूछा जाए कि जब सती प्रथा का अंत हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिक थे। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिक थे। अगला क्वेश्चन 38, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्घट्टा दोस्तों। ये जो है, फिर से आप एक बार प्रश्न सुन लीजिए, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। तो आपका उत्तर रहेगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र और ब्रैकेट में वाटर व्हील। जो है अर्घट्टा का मतलब भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। इसके बाद हर्षवर्धन को किस शासन ने पराजित किया था। जो राजा हर्षवर्धन थे उनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराने वाला का जो नाम है वो है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। वेनसांग हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल में, शासनकाल में भारत आया था वेनसांग। संगम क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संगम जो है मेडिकल से आपका यह प्रश्न, संगम क्या था। तो संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ, तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ, ये संगम था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये। किस राजवंश के विषय में मेगस्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है। मेगस्थनीज ने कहा था, जो इंडिका के राइटर हैं, जो इंडिका पुस्तक है उसके रचयिता मेगस्थनीज ने कहा है, यह भारत के मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथों में है। ये आपका जो उन्होंने कहा था पांड्य राज्य। आपका उत्तर है पांड्य राज्य राजवंश के विषय में मेगस्थनीज ने कहा था। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। तो आपका जो उत्तर रहेगा तिरुक्कुरल। मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखा जाएगा, तिरुक्कुरल। आपका प्रश्न है कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। तो आपका जो है तमिल बाइबिल कहे जाने वाली रचना का नाम है तिरुक्कुरल। ये जो है संगम रचना तमिल बाइबिल में जो है हुई है तिरुक्कुरल। इसकी अब आप बढ़ते हैं दोस्तों, तृतीय संगम मदुरै में हुआ था और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, वो भी मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है और तृतीय संगम जो हुआ था वो भी मदुरै में हुआ था। मदुरै जगह का नाम है दोस्तों। ये तृतीय संगम यही मदुरै में हुआ था और मीनाक्षी मंदिर यही मदुरै में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है बंगाल के धर्मपाल, उस टाइम के शासक जो है धर्मपाल थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है, जो कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों मध्य भारत के इतिहास में, मेडुअल में जो है, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचना में पशु पक्षियों वनस्पतियों आदि का सुंदर वर्णन किया है। इनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता इन्होंने जो, इनको जो है प्रकृति का प्रेमी माना जाता है और ये अपनी रचना में वनस्पतियों और पक्षियों का उल्लेख करते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था।
तो आपका जो उत्तर रहेगा वो है अलबरूनी। अलबरूनी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये टफ लैंग्वेज अलबरूनी। ये पुराणों के अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम थे अलबरूनी, और इनकी ये किताब भी है किताब उल हिंद। इनकी एक रचना है अलबरूनी साहब की, जो कि पुराणों का पहले सबसे पहले मुसलमान है जिन्होंने अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाले सबसे पहले मुस्लिम अलबरूनी, जिनकी एक किताब का नाम है किताब उल हिंद। 50 क्वेश्चन पे आगे दोस्तों बढ़ते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मुस्लिम शासक का नाम है मोहम्मद गोरी, जिसके एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ जो है कलमा खुदा हुआ है अरबी भाषा में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश पर लगान वसूलना शुरू किया, तो उस शासक का नाम है दिल्ली सल्तनत के जो पहले शासक थे जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश पर लगान वसूलना शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। और इनकी जो है इनकी जो विभाग मिला था दीवान-ए-मुस्तक राज, ये विभाग इनका राजस्व विभाग, जिसमें कृषि को बढ़ावा देने का बात कही गई है, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली यहीं से लागू हुई है, और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान-ए-मुस्तक राज। और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश में बहुत ही अच्छा काम किए थे दिल्ली सल्तनत में, जो पहले शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश लगान वसूलना शुरू किया था। इसके आगे बढ़ते हैं। कल्लड़ है वो राज तरंगड़ी की रचना किए हैं। और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई पर लगान लगाया हो उसका दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो आप उत्तर आपका है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने एक अच्छा काम और किया था जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो है टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान जो टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ ले आया था, तो आपको में रहेगा फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली में दो अशोक स्तंभ ले आए थे टोपरा तथा मेरठ से। आगे बढ़ते हैं 54वां क्वेश्चन पे, 54th क्वेश्चन। मथुरा विजय कृति में अपने पति की विजयता का वर्णन करने वाली कवियत्री, मथुरा विजय कृति की कवियत्री जो है रचयिता जो है वो गंगा देवी, मथुरा विजय कृति की कवियत्री गंगा देवी है। दीवान ए अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचित है, और ये जो है कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित है, और दीवान ए खैरात ये दान विभाग से संबंधित है। दीवान ए खैरात ये आपका दान विभाग से संबंधित है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने लागू करवाया था। और दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण से है, अलाउद्दीन खिलजी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था पे लागू करवाया था, और दीवान ए रियासत इनका विभाग था जो बाजार नियंत्रण पर लगाम लगाता था। इसके बाद क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता अभिकवि जो है इसके रचयिता है अभिकवि। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो जैनुल आबिदीन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता यह थी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये जो है चोल प्रशासन जो था ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण देता था। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। चोल कला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश है वो दक्षिण भारत का राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, चोल राजवंश। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश ये आपका होगा चोल राजवंश। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश है वो है चोल राजवंश। 1025-1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय, जब 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था।
कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान 1206 ईस्वी में बना दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार में लाखों का दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो विभाग और बढ़े थे, मैं विभागों का नाम बता दूं, दीवान ए अर्ज ये आपका सैन्य विभाग से संबंधित है, अमीर ए आखूर ये अश्वशाला का प्रमुख विभाग है, और इसके आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे, अढ़ाई का झोपड़ा ये किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और जो है चर्च, तो आप जो है ये मस्जिद से लगाएंगे, अढ़ाई का झोपड़ा ये मस्जिद से संबंधित है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, मैंने बता ही दिया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। इसके बाद बढ़ते हैं 67 पे, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ किससे संबंधित है? लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ ये आपका संगीत से संबंधित है। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ संगीत से संबंधित है। आप कैसे आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आपका जो है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया था। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? आपका उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर जिला है, वो जौनपुर जो बनाया गया था किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो आपका उत्तर जो रहेगा मोहम्मद जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर बसा। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की। अष्टदिग्गज किसके दरबार में निवास करते थे? अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज निवास करते थे। 72 क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, भारत का सादी किसे कहा गया? तो आपका उत्तर है अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य संसार दुख पूर्ण है, यही था। इस बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में यही साम्य था कि वो लोग मानते थे कि संसार जो है दुख पूर्ण है। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? भगवान कृष्ण के जो अवतार है वो किस संत को माना जाता है? वो आपका उत्तर है चैतन्य महाप्रभु संत को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है, इसका शीर्षक क्या है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन के जो शीर्षक है वो क्या है? तो शीर्षक अमरमूल है। दोस्तों इसके बाद जो है मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्ध बता दे रहा हूँ, उसका कब कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। तो ये सब महत्वपूर्ण युद्ध थे, अगर आएगा तो आप लगाइएगा। वैसे युद्ध बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैंने बता दिया है कभी कभी पूछा जा सकता है। 76 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बिहार में स्थित है। चांदी का रुपया किसने शुरू किया? तो चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने किया, और जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड वो भी जो है शेरशाह सूरी ने सबसे पहले बनवाया था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो 1527 में खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। शेरशाह सूरी की लगान व्यवस्था कैसी थी? शेरशाह सूरी की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, महाभारत का फारसी अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो आपका उत्तर रहेगा रज्मनामा। ऐसे लिखा जाएगा
रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा भाषा में किया गया। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि थी, प्रसिद्ध जैन आचार्य जो हुए अकबर ने उनको जगत गुरु की उपाधि थी, वो कौन से जैन आचार्य थे? उनका नाम है हरि विजय सूरी। वो प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन पे। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? तो जहांगीर जो है चित्रकला का महान संरक्षक था। साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली करने वाले शासक का नाम, ऐसा शासक कौन सा है जिसने राजधानी आगरा से दिल्ली किया? तो शाहजहां ने आगरा से राजधानी को दिल्ली में ले आए। तो लघु अकबर के नाम से जाना जाने वाला, जो छोटा अकबर के नाम से जाना जाने वाला, लघु अकबर के नाम से जाना जाने वाला शासक है वो दारा सिकोह को हम लघु अकबर के नाम से जानते हैं, दारा सिकोह। 84 क्वेश्चन। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मुगल सम्राट का नाम जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, तो वो जो है मुगल सम्राट थे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 85। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था, सलहार। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद था वो शिवाजी के प्रबंधन में, राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लिए, और एंशियंट और मेडिवल में आपका मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन इस बार आने की संभावना जहां तक लग रहा है दोस्तों, देखिएगा मेडिवल से इस बार कम क्वेश्चन आएंगे, इस बार एंशियंट और मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे जो है 86 क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने जो है आपको 50 क्वेश्चन एंशियंट से बताया और 36 जो है वो मेडिवल से बताया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो है 87 क्वेश्चन से देखते हैं। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ है? लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला, तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से जो व्यापार संबंधित करने वाले थे वो पुर्तगाली थे। इसके बाद 90 क्वेश्चन पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन जो आपका है वो है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी जो गठन का समय था उस समय भारत में जो है अकबर थे। अकबर जब थे तब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था भारत में। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अगर देखा जाए कि पूरे भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले वो लोग मराठी लोग, मराठा है, महाराष्ट्र के मराठी लोग। रिंग ऑफ फेंस किसकी नीति है? रिंग ऑफ फेंस ये किसकी नीति है? रिंग ऑफ फेंस जो है ये आपकी किसकी नीति है? तो दोस्तों रिंग ऑफ फेंस जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन पे। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये जमींदारों से रिलेटेड है। ये 1793 में जब पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, तब से ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ है जमींदारों के संदर्भ में, और इसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो सर टॉमस मुनरो का जो भू राजस्व है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया? अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवाड़ी जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पे लागू किया।
अंग्रेजों ने रैयत वाणी सबसे पहले मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पर लागू किया। 96 क्वेश्चन दोस्तों आपका है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 ईस्वी की जब क्रांति आपकी प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले वो मेरठ से, उत्तर प्रदेश का जो एक मेरठ जिला है वहां से प्रारंभ हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? जब 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रतीक था कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। 1857 के क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो 1857 के क्रांति में तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का नाम। 99 क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो बीडी सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्र संग्राम का नाम बीडी सावरकर ने दिया। इसके आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन पे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? जो महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की लक्ष्मीबाई जो फेमस है, महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी भारत की, वो वाराणसी की, उनका जन्मस्थली वाराणसी है, जो कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस वाराणसी, वहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। नील दर्पण के लेखक, तो नील दर्पण जो कि नील कृष्णो के लिए प्रसिद्ध है, नील कृष्णो का वर्णन इसमें किया गया है। नील इसके लेखक हैं दीन बंधु मित्र, अगर आपका ऑप्शन में रहेगा डीबी मित्र, यानी दीन बंधु मित्र शॉर्टकट में डीबी मित्र रहेगा दोस्तों, दीन बंधु मित्र ये नील दर्पण के लेखक है। 103 क्वेश्चन पे, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा ने सबसे पहले जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में हुआ। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किया 1897 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका 105वां क्वेश्चन जो है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ये जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन पे, 106 पे, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों तथा लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की? जो एक शारदा अधिनियम है उसके तहत लड़कियों की जो विवाहित उम्र है वो कितनी है और लड़कों का विवाहित उम्र वो कितना है? तो 14 और 18, यानी लड़कियों की जो न्यूनतम विवाहित उम्र है वो है 14 और लड़कों का, बालकों का वो विवाहित उम्र है 18 वर्ष, ये शारदा अधिनियम के तहत। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राममोहन राय, उनका नाम राममोहन राय था लेकिन बाद में राजा की उपाधि किसने दी? दोस्तों आप लोग जान लीजिए, अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने आपको राजा की उपाधि दी थी राममोहन राय को दोस्तों। तो आपका ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के जो है, और इसके बाद 107 पे आप 107 बढ़ते हैं क्वेश्चन 107 पे, वो आपका है क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 खर्च करने का प्रावधान? पहली बार भारत में किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1,00,000 रुपए भारत सरकार मतलब भारत में शिक्षा के लिए खर्च किया? वो आपका चार्टर अधिनियम 1813 में, आपका जो है चार्टर अधिनियम 1813 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पर जो है विशेष जोर दिया गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 109, भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट। दोस्तों भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पहला प्रकाशित समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 110, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में बैठकर की? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में बैठे थे तो उन्होंने लिखा था, एक किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके रचयिता है पीटी नेहरू, वो जो है अहमदनगर फोर्ट जेल में रहकर
उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की, किताब लिखा। इसके बाद 111 क्वेश्चन पे, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और स्वतंत्रता के बाद इसको जो है खत्म करने का आदेश महात्मा गांधी ने दिया, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन है, सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जो है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 115, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? जो हमारे गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, जो एक उसमें बाल भी थे, तो बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 118, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो दोस्तों 1927 में भारत में साइमन कमीशन आया और 1928 में उसका बहिष्कार कर दिया गया। क्यों? उसका रीजन है कि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, कि 1928 में जब साइमन कमीशन बना तो उसका कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, इसलिए 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ दोस्तों। तो आज आपने 120 क्वेश्चन आपने एंशियंट से देखा, 50 आपने 30 क्वेश्चन मॉडर्न मेडिवल से देखा, बाकी आपने 40 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से देखा। तो आप इतिहास के तीनों भाग से मिला 120 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखे, ये आपके सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में से एग्जाम में आपके आएंगे। और भी आपने पढ़ा होगा और पढ़ते रहिएगा दोस्तों, अभी आपके पास 7 दिन का समय है। ऐसे ही हम 80 से 100 प्रश्न कल जो है हमारा जो अगला शेड्यूल होगा, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि हाउ टू क्रैक इन UPSC 2017 इन 7 डेज, उसमें शेड्यूल में हमारा 16 सितंबर का जो प्रोग्राम होगा वो हम आपको कराएंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे आपको, उसमें भी यही 80 से 100 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं या बहुत कम पढ़ पाए हैं, वो लोग निराश ना हो, वो आशा बनाए रखें, क्योंकि प्री जो है वो उनके लिए ज़्यादा बहुत मुश्किल की बात नहीं होगी, बस ऑनलाइन एजुकेशन को देखें और वो खुद भी 2-3 टेक्स्ट बुक जो है पढ़ते रहें साथ में। तो दोस्तों आज आपने हिस्ट्री का क्रैश कोर्स देखा, 120 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, ऑनलाइन एजुकेशन की टीम ने बहुत रिसर्च करके इन क्वेश्चन को बनाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। दोस्तों आपको जो है अब 16 सितंबर को जो है अगले सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाएगा, जो शेड्यूल में बताया गया होगा आपको। और जो लोग मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो को भी देखें, मेरी हिंदी की जो मेरी 7 क्लास की वीडियो आई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों का अच्छा पॉजिटिव कमेंट आ रहा है दोस्तों, तो उन लोगों का शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे एक बेल बनी आ जाएगी, घंटा बना आ जाएगा, रिंग बना आ जाएगा, तो वहां पे आप क्लिक करिएगा, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन कोई भी वीडियो अपलोड करेगा तो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगा सब्सक्राइबर तक, और उस वीडियो को देखकर वो उनका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास के देखे हैं, आज के लिए इतना ही। और ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे ही 7 दिन तक 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ऐसे ही आपको पढ़ाता रहेगा दोस्तों। और UPSC 2018 हमारा मेन टारगेट है, हम UPSC के एग्जाम के बाद 25 सितंबर से पूरा मेंस की तैयारी करवाएंगे दोस्तों। फिलहाल अभी हमारा क्रैश कोर्स का सिस्टम चल रहा है, तो हमारी वीडियो से बने रहें, आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।